दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, प्रोडक्ट भी मैंने खुद खरीदा है। हाय, आज मैं मिनिमलिस्ट मैलिक एसिड बोन रिपेयर मास्क एंड सीरम रिव्यू करूंगी, जो कि डैमेज वालों को रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू मिनिमलिस्ट। सीरम मैंने इससे पहले भी रिव्यू किया है, जो कि मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। मैंने इस प्री शैम्पू सीरम को एक मंथ से ज्यादा इस्तेमाल किया है। फोर्थ यूज के बाद मुझे डिफरेंस काफी अच्छे से पता चला, काफी ज्यादा स्मूथ एंड मैनेजेबल हो गए थे मेरे बाल। अब तक मैंने इतना सीरम इस्तेमाल किया है, मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई करती हूँ बिकॉज आई हैव वेरी थिक एंड पूफी हेयर। नहीं तो मैं पहले कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल मिला के अप्लाई करती थी, जो कि काफी थिक है, पर कोकोनट ऑयल से मेरे बाल ज्यादा रिपेयर नहीं हो रहे थे। वेरस इसे इस्तेमाल करने के बाद आई कैन सी द डिफरेंस। ये एक प्री शैम्पू सीरम है, जो कि शैम्पू से पहले इस्तेमाल किया जाता है। सीरम का प्राइस है $4.99 फॉर 50 ml ऑफ प्रोडक्ट, वेरस मास्क का प्राइस है $6.99 फॉर 200 ml ऑफ प्रोडक्ट। क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम। शैम्पू का प्राइस भी ₹6.99 है। तीनों को मिला के प्राइसिंग थोड़ा सा हाई है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंज्यूमर्स, पर अगर आप ओलाप्लेक्स के साथ कंपेयर करो तो उनका प्राइस करीब 3,000 रहता है फॉर ईच प्रोडक्ट। ओलाप्लेक्स ने ही ये हेयर बॉन्ड रिपेयर का गेम शुरू किया था। मैंने इससे पहले ओलाप्लेक्स 8 एंड 7 इस्तेमाल किया है फॉर अबाउट 2 months। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बार बार नहीं खरीद सकती, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओलाप्लेक्स से ज्यादा मेरे बालों पे मिनिमलिस्ट का सीरम ज्यादा अच्छे से काम किया है। आई कैन सी द डिफरेंस। ओलाप्लेक्स में मुझे उतना कुछ डिफरेंस पता नहीं चला। एंड बाय द वे, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैंने मेरे हेयर क्वालिटी में चेंजेस देखा है। मिनिमलिस्ट बॉन्ड रिपेयर शैम्पू में मैंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अदरवाइज मेरे करेंट बजट के बहुत बाहर चला जाता। वैसे भी मैंने सोचा कि शैम्पू तो इस्तेमाल करते ही धोना है, उससे बेटर ये सीरम एंड मास्क काम करेगा। वैसे भी उन लोगों का जो बॉन्ड रिपेयर फॉर्मुलेशन का परसेंटेज है, वो शैम्पू में 3.5% है, मास्क में 5% है एंड हेयर सीरम में भी 5% है। मिनिमलिस्ट हेयर सीरम का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल का स्मेल आता है, पर वो शैम्पू करने के बाद चला जाता है। और एक नेगेटिव पॉइंट मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि ये एक प्री शैम्पू प्रोडक्ट है एंड मैं अपने बालों पे सिलिकॉन्स इस्तेमाल करती हूँ, तो जब मैं ये सीरम इस्तेमाल करती हूँ शैम्पू करने से पहले, मेरे बालों में सिलिकॉन होता है। तो मेरे ख्याल से जो लोग सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं करते हैं बालों पे, उनके हेयर पे ये बॉन्ड रिपेयर सीरम और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। बॉन्ड रिपेयर मास्क का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसमें सिलिकॉन्स है, तो अगर आप कर्ली गर्ल मेथड फॉलो करते हो या फिर आप सिलिकॉन्स अवॉइड करते हो, तो दिस मास्क माइट नॉट बी फॉर यू। मैं अपने बालों पे जनरली सिलिकॉन्स इस्तेमाल करती हूँ। सिलिकॉन्स बालों के लिए उतना भी बुरा नहीं है जितना आजकल इसे दिखाया जाता है। सिलिकॉन्स कैन प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डैमेजेस। एंड मैं अपने बालों को कलर भी करती हूँ एंड ज़्यादातर हीट स्टाइलिंग भी करती हूँ, पर हाँ, आई डू अवॉइड सिलिकॉन्स इन माई शैम्पूज। ये मास्क मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का है एंड इसका स्मेल बहुत ही हल्का है। हेयर केराटिन का बना होता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स। तो जो प्री शैम्पू सीरम है उसमें कई सारे एमिनो एसिड्स कम है कंपेयर टू द मास्क। मास्क में मुझे ज्यादा टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स मिला। मास्क में सेरामाइड्स भी है, जो कि मेरे ख्याल से सीरम में नहीं है। मास्क का पीएच है 3.4 से लेके 4.4 के बीच में, विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर हेयर क्यूटिकल्स। सीरम का एक प्लस पॉइंट है कि उसको हम लोग 1 घंटा अप्लाई करके रख रहे हैं, वेयर एज मास्क को खाली 5 मिनट। तो मुझे अगर दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो मैं मास्क को ही चूज करूंगी। बोथ सीरम एंड मास्क इस्तेमाल करने के बाद मेरे बाल बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल लग रहे थे, फ्रिजी भी कम लग रहे थे एंड बहुत इजीली मेरे फिंगर्स रन हो रहे हैं हेयर के बीच में से। एज यू कैन सी, मैंने कोई भी हीट स्टाइलिंग नहीं किया है एंड आज ही मैंने हेयर वॉश किया है। जनरली मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ मेरे बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी लगते हैं, सो कंपेयर टू दैट आज बहुत ही कम फ्रिजी लग रहा है। सो दिस स्टफ डेफिनेटली वर्क्स। सेकेंड डे पे मेरे बाल बेटर लगते हैं, तो आई एम श्योर कल थोड़ा और टेम्ड लगेगा एंड थोड़ा और शाइनी लगेगा। इस मास्क को शैम्पू के बाद इस्तेमाल करना होता है एंड कहा गया है कि जेनरसली अप्लाई करना है, 5 मिनट तक रखना है। तो मैंने अपने शैम्पू को पहले अच्छे से पानी में डाइल्यूट किया, क्योंकि जेंटल शैम्पू उन लोगों ने बार बार इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो उस डाइल्यूटेड शैम्पू से मेरे बालों को शैम्पू करने के बाद मेरे बालों से मैंने एक्सेस वाटर को रिमूव किया, थोड़ा सा टॉवल से पैट ड्राई भी कर लिया
ताकि ये मास्क और अच्छे से काम कर पाए। फर्स्ट टाइम है तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा मास्क लिया, उसे अप्लाई किया, 5 मिनट तक रखने के बाद धोया, क्योंकि अभी मैं जिम जा रही हूँ तो आई नीड टू वॉश माई हेयर क्वाइट ऑफन। एंड शैम्पू मैं डायरेक्टली ही बिना डाइल्यूट किए अप्लाई कर लेती हूँ, विच आई शुडंट डू। कुछ चेंजेस मुझे भी करना है मेरे हेयर रूटीन में, शैम्पू डाइल्यूट करके अप्लाई करना है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि रीठा से बाल धोऊँ। क्विकली जो रीठा से शैम्पू बनाया जाता है जस्ट बॉयल करके, या फिर रीठा पाउडर से शैम्पू कर लूँगी। खैर तब वो देखा जाएगा मेरे बाल तब बेटर होते हैं कि नहीं। हीट स्टाइलिंग भी थोड़ा शायद कम करने की कोशिश करूँ, बट आई डोंट प्रॉमिस। एंड बालों को कलर तो करूँगी ही। हाँ, शैम्पू का आई नीड टू मेक सम चेंजेस। आई गेस आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग ऑलवेज। बाय बाय।